हेलो दोस्तों, चलिए तो हम बात करते हैं आज के मुख्य एडिटोरियल पर। दुनिया भर में पूंजीवाद के भविष्य पर बहस छिड़ी हुई है। विश्व में 2007-08 में आए वित्तीय संकट से पूंजी रक्षात्मक स्थिति में बढ़ती असमानता, सीईओ के ऊंचे वेतन के प्रति गुस्सा और व्यापार में बढ़ते अविश्वास की वजह से पश्चिम में युवा पूंजीवादी बाजार व्यवस्था से दूर हो रहे हैं। हार्वर्ड के अध्ययन के मुताबिक 2016 तक अमेरिका में 18 से 26 साल तक के आधे युवाओं ने पूंजीवाद को नकार दिया था और इनमें एक तिहाई समाजवाद का समर्थन कर रहे हैं। इसके 2 साल बाद गैलप के एक सर्वे में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जब इस आयु वर्ग के सिर्फ 45% युवाओं ने ही पूंजीवादी व्यवस्था के पक्ष में राय दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव और ब्रेग्जिट के लिए हुए मतदान से भी यही रुख सामने आया है। पूंजीवाद असफल हो रहा है। इस डर की वजह से ही अमेरिका के सबसे बड़े कॉरपोरेशन के 180 सीईओ को हाल में एक नया नीतिगत बयान, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, पेश करना पड़ा, जो 1970 में नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा प्रतिपादित लाभ और शेयरधारकों की विधानता के मौजूदा सिद्धांत का स्थान लेगा। फ्रीडमैन के मुताबिक व्यापार का सिर्फ और सिर्फ एक ही सामाजिक दायित्व है कि वह जहाँ तक हो सके अपने संसाधनों का इस्तेमाल लाभ को बढ़ाने के लिए करे। नए स्टेटमेंट ऑफ पर्पज के मुताबिक कंपनी का उद्देश्य अपने शेयर धारकों के हितों के साथ ही अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, सप्लायरों, समुदाय और पर्यावरण के हितों में संतुलन बनाने के साथ ही कंपनी को सामाजिक दायित्व के प्रति जवाबदेह बनाना है। अमेरिकी कॉरपोरेशन के इस नए लक्ष्यों को भारत में भी असर पड़ना तय है, क्योंकि हम भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। हालांकि इसके कुछ प्रभाव अच्छे नहीं होंगे। पहली नज़र में मुझे लगा कि इस नए स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में कई गंभीर दिक्कतें हैं। निश्चित तौर पर एक कॉरपोरेशन को अपने शेयरधारकों के हितों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन तब आप इतने लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह कैसे हो सकते हैं? समाज में हर संस्था को जवाबदेही की ज़रूरत है। लोकतंत्र के अन्य सभी व्यवस्थाओं की तुलना में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इसमें शासक जनता के प्रति जवाबदेह है। इसी तरह से लाभ यह बताता है कि कंपनी की सेहत अच्छी है, वह अपने संसाधनों का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से अपने लाभ के लिए शेयर धारकों के प्रति जवाबदेह है। मेरी दूसरी दिक्कत यह है कि नए स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक कंपनी का लाभ तो पहले से ही इसके सभी हिस्सेदारों के हितों को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि वह अपने ग्राहकों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती है। अगर लोग उसके उत्पादों को पसंद नहीं करेंगे तो वह खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, किसी भी कंपनी के परिणाम अच्छे कर्मचारियों को नियुक्त करने और उन्हें अपने साथ जोड़े रखने की उसकी क्षमता पर निर्भर होते हैं। आज का एक MBA युवा ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहता है जो अच्छा वेतन देने और स्किल बढ़ाने के साथ ही उसके मूल्यों को भी समझा सके साझा करती है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण की चिंता, इसलिए कंपनी का लाभ कर्मचारी को सम्मान देने पर निर्भर है। तीसरी बात, एक अच्छी कंपनी जानती है कि अगर वह सप्लायर पर कीमत को लेकर बहुत दबाव डालेगी तो उसे कम गुणवत्ता का सामान मिलेगा, जिससे उसके खुद के उत्पाद को नुकसान होगा। इसलिए सप्लायर के साथ ईमानदारी से डील करना भी एक खाली वादा वादा है। आखिर में, समाज को मदद करने और पर्यावरण की रक्षा करने से एक कंपनी प्रतिष्ठा हासिल करती है और इससे ज़्यादा बिक्री होती है और लाभ बढ़ता है। तो क्या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज सिर्फ अमेरिकी सीईओ की सीईओ के एक सम
एक स्वयं सेवा एक्सरसाइज है या आलोचकों के मुताबिक कहा जाने वाला पब्लिसिटी स्टैंड है, या फिर अब कंपनियां पर्यावरण के प्रति प्रोएक्टिव हो जाएंगी, टैक्स बचाने के कम रास्ते तलाशेंगी और समाज के भले पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी। 1991 में पूंजीवादी सुधारों से भारी लाभ के बावजूद भारतीय आज भी यह मानते हैं कि बाजार मुख्य रूप से अमीरों की ही मदद करता है। वे आज भी बाजार समर्थक और व्यापार समर्थक में अंतर नहीं समझते। CEO के एक नए बयान के में लाभ के प्रति दुविधा की वजह से मुझे डर है कि भारत में निजी क्षेत्र में काम कर रहे मैनेजर अपने काम को महत्व नहीं दे पाएंगे। वे भूल जाएंगे कि उनके उत्पादों से किस तरह लोगों का जीवन बेहतर हुआ है, कैसे कंपनियों ने करोड़ों रोजगार पैदा किए हैं। किसी तरह से कॉरपोरेट के लाभ की वजह से ही सरकार स्कूल और अस्पताल चला पाती है। CSR कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कानून पहले ही ऐसे संकेत दे चुका है कि लाभ कमाने से अहम सामाजिक दायित्व है। इस कानून को बनाने वाले यह भूल गए हैं कि बाजार में निवेश करने वाला मध्यम वर्ग CSR के रूप में उसकी 2% लाभ की चोरी की वजह से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बिल गेट्स के इस बयान पर जमकर तालियां बजीं, जब 11 साल पहले उन्होंने दावोस में कहा था कि पूंजीवाद के दो मिशन होने चाहिए, लाभ कमाना और उन लोगों का जीवन स्तर सुधारना जिन्हें बाजार की ताकतों से पूरा लाभ नहीं मिला। लेकिन लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला। गेट्स ने दो विचार दिए थे। उनका मतलब यह नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट को गरीबों की ज़िंदगी बदलनी है। उनका मतलब था कि माइक्रोसॉफ्ट से लाभ हासिल करने वाले लोग टैक्स अदा करने के बाद लोकोपकार में लगें और गरीबों की मदद करें। दूसरे शब्दों में लोकोपकार उपकार व्यक्तिगत सामाजिक दायित्व हो, ना कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व। एक कंपनी को लाभ पर फोकस करना चाहिए क्योंकि ऐसा करते समय यह अपने सभी साझेदारों के हितों को पूरा करती है, समाज के लिए भी बहुत कुछ अच्छा करती है। लोकोपकार एक शानदार काम है, लेकिन यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारे मंत्र ISR हो ना कि CSR, हमारा मंत्र ISR हो ना कि CSR।